देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के प्रबंधन और शेयरधारकों के लिए आज का दिन बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा। विशाल सिक्का ने इंफोसिस के सीईओ एमडी पद से इस्तीफा दिया। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और इंफोसिस के बोर्ड के बीच टकराव भी देखने को मिला। इस्तीफे के बाद इंफोसिस के शेयरधारकों के एक ही दिन में 22,000 करोड़ रुपए डूब गए। इंफोसिस बोर्ड के सदस्य जब मीडिया के सामने आए तो विशाल सिक्का कैलिफोर्निया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। विशाल सिक्का ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अपने इस्तीफे की खबर आधिकारिक रूप से दी। At some point you realize that this is taking a heavy toll on the organization, it is taking a heavy toll personally, and so I just felt that it is an untenable situation and I don't want to do this anymore. इससे पहले विशाल सिक्का ने खत लिखकर इंफोसिस के सीईओ एमडी पद से इस्तीफे की बात सार्वजनिक की। इंफोसिस में उथल पुथल की खबर आते ही इंफोसिस के शेयरों की कीमत 9.6% लुढ़ककर 923.10 रुपए पर जा पहुंचे। एक वक्त में इंफोसिस के शेयर 13.39% तक लुढ़ककर साल के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गए थे। एक झटके में इंफोसिस शेयर धारकों के 22,519 करोड़ रुपए उड़ गए। निवेशकों के ऊपर मैं नहीं मानता हूं कि इतना लंबा कुछ असर पड़ेगा। अनसर्टेनिटी का माहौल थोड़ा समय के लिए रह सकता है, काफी हद तक बदलाव आ सकते हैं, बोर्ड की पोजीशन में भी आ सकते हैं, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, कंपनी के करंट कारोबार में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आगे का आउटलुक काफी हद तक निर्भर बनता है होता है कि कोई अच्छी मैनेजमेंट आ रहे और एक नया डायरेक्शन सेट करे। इंफोसिस के कुल 229 करोड़ शेयर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति के हैं। नारायण मूर्ति के पास 3.4% शेयर है। नारायण मूर्ति लगातार कंपनी के बदलते तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। विवाद की जड़ में पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को दिया गया हर्जाना भत्ता है। बंसल को कंपनी ने 24 महीने की सैलरी कंपनी छोड़ते वक्त दी थी। इसके अलावा सिक्का और दूसरे अधिकारियों की मोटी सैलरी भी विवाद का विषय थी। विशाल सिक्का ने 2016-17 में 45 करोड़ की सैलरी ली, यानी रोजाना करीब 12 लाख की सैलरी, जबकि कंपनी के दूसरे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट इस बार टाल दिया गया। प्रमोटर को एक गाइडलाइन सेट कर देनी चाहिए थी, सो दैट एटलीस्ट आई थिंक जो आदमी काम कर रहे हैं उनको क्लैरिटी मिल जाए। बट एवरीडे बेसिस के ऊपर उनके ऊपर कोई नए नए एक्सप्लेनेशन लाना और धंधे के ऊपर फोकस नहीं करने देना, वो एक थोड़ी गलत बात हो गई है ऐसा मैं मानता हूँ। थोड़ा ओवरडन हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। विशाल सिक्का की जगह प्रवीण राव को अंतरिम सीईओ एमडी बनाया गया। स्थायी सीईओ एमडी की नियुक्ति तक सिक्का कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन पद पर रहेंगे। एंड फाइनली अर्लियर टुडे वी केम टू दिस कंक्लूजन एंड द बोर्ड प्रपोज्ड दैट आई स्टे ऑन एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर टू हेल्प विद द ट्रांजिशन एंड हैव एंश्योर्ड दैट द टीम इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट द कंटिन्यूटी एंड इन द सक्सेशन दैट द बिजनेस डज नॉट सफर एंड सो फोर्थ एंड सो आई एम रियली ऑनर्ड टू डू दैट। एंड इस्तीफे के मुद्दे पर इंफोसिस बोर्ड पूरी तरह विशाल सिक्का के साथ खड़ा नजर आया। इंफोसिस ने कहा बोर्ड की मौजूदा रणनीति आगे भी जारी रहेगी। बयान जारी कर इंफोसिस ने कहा बोर्ड डॉक्टर सिक्का के इस्तीफे की वजहों को समझता है और उनके फैसले पर खैर जताता है। मैनेजमेंट टीम के सदस्यों द्वारा लगातार हो रहे व्यक्तिगत हमलों से इंफोसिस बोर्ड व्यथित है। ये हमले गुमनाम खतों के जरिए पिछले कुछ महीनों में किए गए। इस बयान से साफ है कि बोर्ड नारायण मूर्ति की जगह विशाल सिक्का के साथ खड़ा है। वहीं नारायण मूर्ति ने कहा कि वो कंपनी के लगाए आरोपों का सही वक्त पर और सही फोरम पर जवाब देंगे। विशाल सिक्का का इस्तीफा कंपनी की बोर्ड मीटिंग से सिर्फ एक दिन पहले आया है। इस बैठक में शेयर बायबैक पर फैसला होना था। इंफोसिस ने साफ किया है कि इस्तीफे से शेयर बायबैक प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जनमन में आज इतना ही। आज की कौन सी रिपोर्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई जरूर ट्वीट कीजिए। मेरा हैंडल है @dibang सोमवार से शुक्रवार 9 से 10 मेरे साथ
जरूर देखिए जनमन। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।